जी भाई दूज के बारे में। भैया दूज के लिए बहनें अपने भाई की दीर्घायु के लिए मंगल कामना करती। इस दिन भगवान शिव की हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आरोग्यता दीर्घायु को देने वाले महामृत्युंजय महाकाल भगवान शिव ही। सुबह स्नान इत्यादि करके बहनें अपने भाई का तिलक समय समय अनुसार करती हैं। कोई दूर जाती हैं तो वो देर से करती हैं, कोई पास होती हैं तो वो जल्दी कर देती हैं, गोले पर भी तिलक कर देती हैं। तो पहली बात तो गोला ऐसा खरीदे वो कटा फटा ना हो, साफ सुथरा गोला हो। दूसरी चीज, भाई की दीर्घायु के लिए हमें क्या करना है। तिलक तो भाई का आप कर ही रही हैं, एक उपाय और भी हम बता रहे हैं, वही गोला जैसा आप जिससे लेकर आप तिलक करते हैं, जो खीर वगैरह में पड़ता है नारियल, जो गोला होता है सूखा, उस गोले को ऊपर से काट दीजिए, उसमें कसार भर दीजिए, पंचमेवा डाल दीजिए, थोड़ा सा घी डाल दीजिए और उसकी कैप उसके ऊपर लगाकर कलावे से लपेट दीजिए, अपने भाई के ऊपर सात बार उतार कर पीपल के पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। निश्चित ही आपके भाई पर आने वाली विपत्ति दूर खड़ी रहेगी, आपके भाई को टच भी नहीं करेगी, अर्थात हर प्रकार से भगवान आपके भाई की सुरक्षा करेंगे। ये उपाय राहु की शांति के लिए भी होता है, ये उपाय नवग्रह शांति के लिए भी होता है, ये उपाय किसी विषम परिस्थितियों को अनुकूल करने के लिए भी होता है। इस उपाय को करने से शारीरिक व्याधियां या कष्ट दूर हो जाते हैं। दूसरी चीज, भाई का तिलक करते समय एक मंत्र बोलना है, बहुत साधारण मंत्र है लेकिन बहुत प्रभावशाली है। क्या है वो मंत्र? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुण ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ये कहते हुए भाई को तिलक तब करना है, आप देखिएगा आपसी प्रेम बनेगा, भाई बहनों का प्रेम बनेगा। जिन भाई बहनों में आपस में थोड़ी कटुता है या किन्हीं कारणों से फ्रैक्शन आ गए हैं, वो भी दूर हो जाएंगे।